सब्सक्राइब करिए यूसुफ टेक जोन चैनल को और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है यूसुफ। यूसुफ टेक जोन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना एक बजट फोन Redmi 9। तो आज मैं बताऊंगा इसका फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइस। लास्ट में बताऊंगा अपना ओपिनियन कि क्या इस फोन को लेना आपके लिए वर्थ है कि नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम है यूसुफ टेक जोन। सो लेट्स गो। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑरेंज, ब्लैक और ब्लू तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। 194 ग्राम वेट है। 164.9 × 77.07 × 9.0 mm का डायमेंशन दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंच का HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। 1600 × 720p का रेजोल्यूशन है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। 269 PPI और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 81% है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको डिसेंट साइज देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 MP f/2.2 एपर्चर का प्राइमरी कैमरा है और 2 MP f/2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर दिया गया है। LED फ्लैश है। और फ्रंट की बात करें तो 5 MP f/2.2 एपर्चर का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो MediaTek का हीलियो G35 2.3 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर पर बना है। GPU की बात करें तो PowerVR का G8320 GPU दिया गया है। LPDDR4X RAM है और eMMC 5.1 ROM दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा और आप हल्का फुल्का गेमिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और UI MIUI 12 दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक का बना और बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है जिसपे कि स्क्रेचेस काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, इसलिए आपको बैक कवर लगा के रखना होगा। और फ़ोन में P2i का कोटिंग भी किया गया है जिससे कि आपका फ़ोन स्प्लैश प्रूफ हो जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया गया है और 10 वाट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें कि 2 सिम और साथ में SD कार्ड भी लगा सकते हैं। microUSB पोर्ट दिया गया है और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। सार वैल्यू की बात करें तो इंडिया के हिसाब से ठीक है और NFC नहीं दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट है और फेस अनलॉक भी दिया गया है। वेरिएंट्स की बात करें तो Redmi 9 में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 8,999 रुपीज़ और 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9,999 रुपीज़। प्राइस आज के डेट के हिसाब से 1 सितंबर, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए आप ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया Redmi 9 का फुल स्पेसिफिकेशन। काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है जैसे कि आपको 6.53 इंच का HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसपे की कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। 13 MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek का हीलियो G35। परफॉर्मेंस आपको डिसेंट साइज देखने को मिलेगा, उतना भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो कि आपका आराम से 2 दिन चल जाएगा, लेकिन आपको इसमें 10 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है रियर माउंटेड जो कि काफी फास्ट है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है। अगर आप 9000 रुपीज में कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो Redmi 9 के साथ जा सकते हैं जो कि आपके लिए वर्थ रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा। और ऐसे ही टेक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। यूजर नेम है यूसुफ टेक जोन और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।